तो आप इस दवा को दिन में 2 बार पियेंगे तो आपकी जड़ से खांसी और बलगम की शिकायत खत्म हो जाएगी। अगर आपके गले के अंदर इन्फेक्शन है, आपके गले के अंदर खराश है, तो इससे आपके गले का इन्फेक्शन और खराश भी खत्म हो जाएगी। तो भाई लोगों कैसे हो, तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयर फॉर यू। तो आज मैं आपके लिए एक और नई रेमेडी लेकर आया हूँ। तो आज की हमारी रेमेडी होने वाली है कि हम अपनी खांसी को कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, हर घर में नज़ले और खांसी की शिकायत है। चाहे आपको सूखी खांसी हो या फिर आपको खांसी के साथ बलगम आ रहा हो, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा जिससे आपकी खांसी एकदम ठीक हो जाएगी और आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपको खांसी किसी भी तरह की हो, बलगम वाली हो या फिर सूखी खांसी हो या फिर आपको नज़ला ही क्यों नहीं हो, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस रेमेडी में जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, अगर आप इसे फॉलो करते हैं, आपकी 1 से 2 दिन के अंदर खांसी एकदम ठीक हो जाएगी। अगर आपके गले के अंदर खराश भी है तो ये रेमेडी आपके खराश को दूर करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी लौंग। तो मैंने यहाँ पे 10 लौंग ले रखी है और 10 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ले रखी है। तो मैंने इन दोनों को एक फ्राई पैन के अंदर रोस्ट कर लिया था, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इनको हमने 1 से 2 मिनट रोस्ट करा था। अब हम इन्हें अच्छी तरह कूट लेंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। लौंग और काली मिर्च लेने के बाद हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हनी की, तो मैंने यहाँ पे हनी ले रखा है। इसके बाद हमें इतना बड़ा पीस लेना है अदरक का और इतनी मात्रा में लेनी है हल्दी और नमक। तो चलिए अब हम लौंग और काली मिर्च को अच्छी तरह कूट लेते हैं और इनका पाउडर बना लेते हैं। अगर आप चाहें तो काली मिर्च के बदले दालचीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हम इन्हें अच्छी तरह कूट लेते हैं। तो हमने इनको कूट के तैयार कर लिया है। अब हम निकालते हैं अदरक का जूस। तो इसी तरह हम यहाँ पे अदरक को कूटेंगे और जब ये थोड़ा बारीक हो जाए तो हम इसके अंदर 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे ताकि अदरक का जूस आसानी से निकल जाए। तो ये बारीक सा हमने यहाँ पे कूट लिया है। अब हम इसके अंदर 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे और इसे फिर हल्का हल्का सा और कूट लेंगे। तो हमने अदरक अच्छी तरह कूट लिया। अब हम इसका जूस निकाल लेंगे। तो हम एक छन्नी की मदद से इसका जूस निकालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच अदरक का जूस निकल गया है। इसमें अब हम ऐड करेंगे चुटकी भर नमक और चुटकी भर हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक होती है और एंटी फंगल होती है। यह आपकी किसी भी तरह का आपके इन्फेक्शन हो गले में उसे ख़त्म कर देगी। अगर आपके गले के अंदर खराश है तो ये आपके खराश को भी ठीक कर देगी। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच हनी। और एंड में हम इसके अंदर ऐड करेंगे लौंग और काली मिर्च का हमारा पाउडर। तो हमें 1 चम्मच लौंग और काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड कर लेना है। अब इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप इस दवा को दिन में 2 बार पियेंगे तो आपकी जड़ से खांसी और बलगम की शिकायत खत्म हो जाएगी। अगर आपके गले के अंदर इन्फेक्शन है, आपके गले के अंदर खराश है, तो इससे आपके गले का इन्फेक्शन और खराश भी खत्म हो जाएगी। आपको दिन में 2 बार पीना है और दिन में 2 बार पीने के बाद आप देखेंगे कि आपकी खांसी में कितना कंट्रोल होएगा, आपको खांसी की शिकायत बहुत कम हो जाएगी। इस रेमेडी का इस्तेमाल बस आप 2 दिन कीजिए, आपकी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी।
तो आपको जब भी दिन में टाइम मिले आप इसे दो बार दिन में पी सकते हैं, मगर इसको पीने के बाद आपको आधे घंटे तक पानी नहीं पीना। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी रेमेडी। आपको हमारी रेमेडी पसंद आई हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।